अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोई सिविल आईडी कैसे चेक करते हैं। हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमारा सिविल आईडी बनता है। सिविल आईडी की वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद दोबारे से रिन्यूअल हुआ है या नहीं हुआ है, या आप लोग छुट्टी गए हैं इसके बाद कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया है कपिल ने, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। तो जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, क्रोम ब्राउज़र में आके आपको यहाँ पे लिखना है कोई सिविल आईडी, लिख सकते हैं आप, या फिर PACI कोई सिविल आईडी स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। एक नया फॉर्म खुल के आएगा, सबसे ऊपर फर्स्ट में कोई गवर्नमेंट ऑनलाइन सबसे फर्स्ट में आएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऊपर ही आ जाएगा सिविल आईडी का ऑप्शन, और नीचे देख लीजिए, इसमें आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं कुवैत में। तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ सिविल आईडी का वैलिडिटी चेक करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारा बन गया है नहीं, लेकिन हम फिलहाल अभी सिविल आईडी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपको सिविल आईडी का नंबर डालेंगे आप। नंबर कहाँ से मिलेगा मैं बताऊँगा आगे आपको। सिविल आईडी का नंबर डालने के बाद इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जाएगा। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ क्या है ये। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपके पास एक सिविल आईडी है, अनुरोध बताया नहीं है इसका, यदि आपके पास पिछले कुछ दिनों के दौरान अनुरोध संबित किया है तो कृपया बाद की तारीख में पुनः प्रयोग करें। इसका मतलब है कि आपके सिविल आईडी बन चुका है, रेडी है, और वहां से ले भी आया है आपके अरबी। अब आपको दिया है या नहीं दिया है, इस तरह लिख आएगा। आपका आईडी बन चुका है और मशीन में पड़ा हुआ है, नहीं लेके आया है अरबी आपका, तो यहाँ लास्ट में मशीन नंबर दिखाएगा और यहाँ पर जगह का नाम रहेगा किस मशीन में है, किस जगह पे, किस मशीन में पड़ा हुआ है, और मशीन नंबर बताएगा, क्योंकि काफ़ी मशीनें होती हैं ना, किस मशीन में पड़ा हुआ है उसका नंबर आएगा कि फला मशीन में पड़ा हुआ है। आपको वहाँ पे जाना है, 5 दिनार देना है। फर्स्ट टाइम आपका अरबी लेके आएगा, दूसरी बार जब रिन्यूअल होगा तो आप भी ला सकते हैं, आपका अरबी भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं, ये कोई दूसरा आदमी भी जाएगा जो आपकी सिविल आईडी लेके जाएगा पुरानी वाली, वह मशीन के अंदर डालेगा, 5 दिनार देगा और दूसरी सिविल आईडी निकाल लेगा मशीन से। आप छुट्टी गए हैं, किसी कारण आप नहीं वापस आ पा रहे हैं, या फिर आपको कपिल आपको नहीं बुलाना चाहता है, आपके चले जाने के बाद में वो कैंसिल कर देता है, या फिर आप कुवैत में ही हैं और आपका अरबी आपको कैंसिल कर देता है, यानी आपका इकामा कैंसिल कर देता है और दूसरा बंदा बुला लेता है भेजा दे के, तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा इकामा वैलिड है या अनवैलिड है। बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का ये। अब मान लो आपका पास इकामा नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे। आप कुवैत में आए हैं, आपका मेडिकल हो गया है, मेडिकल होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद में आपको एक कुवैत मोबाइल आईडी लोड कर लेना है, ऐप्स, ये वाला ऐप्स आपको लोड कर लेना है। इसके बाद में आपको अरबी के पास जाना है, बोलना है बाबा अति मदनिया बता का नंबर है, यानी इस इकामे का नंबर मांगना आपको, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा और आपका मोबाइल आईडी बन जाएगा। मोबाइल आईडी बनने के बाद में आप कुवैत में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई पुलिस वाला पकड़ता है आपको आईडी दिखा देना है वो छोड़ देगा। आपको बैंक में जाना है पैसा लगाने के लिए तो आप अपनी मोबाइल आईडी दिखा दीजिए और पैसा लग जाएगा। आप दवा लेने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, आप मोबाइल आईडी दिखा दीजिए, वहाँ से आपको दवा मिल जाएगी।